हाय गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है, ठीक है। चले फिर बढ़िया आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ओके, तो आई होप वीडियो प्रॉपरली विजिबल है, वॉइस ऑडिबल है। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो फटाफट सेशन को स्टार्ट करेंगे टाइम को वेस्ट किए बिना। आज का हमारा टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर एंड ऑबिचरी, ठीक है। तो हम दो टॉपिक के पिछले 6 मंथ्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको कवर करने वाले हैं। और बिल्कुल हैप्पी रिपब्लिक डे, 72nd रिपब्लिक डे की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 14। कौन सी क्लास है? 14th क्लास। टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूं, आज का पहला सवाल देखते हैं। और ये रहा आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, ऑल द बेस्ट। ओके, डेविड प्रूसे पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डैश, यानी डेविड प्रूसे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ये क्या थे? साथ ही मुझे ये बता दीजिएगा ये किस मूवी में अपने रोल के लिए फेमस थे, जो आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, ठीक है। तो सबसे पहले डेविड प्रूसे जो थे ये एक्टर थे, ये अभिनेता थे, ठीक है, ये एक्टर थे, ये अभिनेता थे, और स्टार वॉर्स में अपने रोल के लिए ये काफी ज्यादा फेमस थे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्टर। यही मैं आपको दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। एक है शीन कोनरे, ये भी एक्टर थे, और ये कौन से रोल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है जरा मुझे फटाफट बताइए। और एक पॉइंट यहां और है, और ये है चैडविक बोसमैन, और ये भी एक्टर थे। ये तीनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये है पहले जेम्स बॉन्ड, ठीक है, और ये है ब्लैक पैंथर, जो बहुत ज्यादा न्यूज में आए थे। तो आपको ये तीनों ही पॉइंट याद रखना है, क्लियर। तो डेविड प्रूसे एक्टर, शीन कोनरे एक्टर, चैडविक बोसमैन एक्टर, ये तीनों बहुत फेमस थे। रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, और इन तीनों में से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अमर सिंह हैज पास्ड अवे एट 64 इन सिंगापुर, ही वॉज डैश, यानी अमर सिंह का सिंगापुर में निधन हुआ था, ये क्या थे, ठीक है। तो अमर सिंह काफी फेमस पर्सनैलिटी थी, काफी ज्यादा इंफ्लुएंस था इनका बहुत सारी चीजों में, और ये पॉलिटिशियन थे, समाजवादी पार्टी से इनका लेना देना था, सपा से इनका लेना देना था, और ये काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे एक वक्त पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, अमर सिंह का उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से लेना देना था, और ये पॉलिटिशियन थे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह पॉलिटिशियन। यही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन की डेथ के बारे में बताने वाली हूं। सबसे पहले स्वामी अग्निवेश, स्वामी अग्निवेश को आपने बहुत बार टीवी पे देखा होगा, ये आर समाज के लीडर थे, और ये हरियाणा से एमएलए थे, ठीक है। तो स्वामी अग्निवेश हरियाणा आर्य समाज लीडर। उसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह, क्या नाम है? रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार से थे, ये मंत्री रह चुके हैं, और मनरेगा यानी जो नरेगा भारत में है ना, उसके लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। भारत में नरेगा को स्टार्ट करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। दिल्ली में क्या हो रहा है उस पर तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले सेशन को देखते हैं। उसके बाद अहमद पटेल, अहमद पटेल का कांग्रेस की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये गुजरात से आते हैं, ठीक है। तो ये चार मैंने आपको यहां बताए हैं, वापस से देखिए। अमर सिंह सपा से पॉलिटिशियन, उसके बाद स्वामी अग्निवेश आर्य समाज लीडर हरियाणा से एमएलए, उसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार से, बिहार की पॉलिटिक्स में इनका बहुत बड़ा रोल था, और अहमद पटेल आईएनसी यानी कांग्रेस से और गुजरात से ये आते हैं। गुड इवनिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इब्राहिम अलकाजी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डैश, यानी इब्राहिम अलकाजी का अभी हाल ही में निधन हो गया, वो इनमें से क्या थे? राम बिला, क्वेश्चन इज इब्राहिम अलकाजी Who is he? Was he? Okay? Okay. Then
He is the theater director and he is known as the father of modern theater. यानी इनको मॉडर्न थिएटर का फादर कहा जाता था और ये थिएटर डायरेक्टर थे इब्राहिम अलकाजी, क्योंकि ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर, दैट्स व्हाई ही इज इंपॉर्टेंट. ओके, बफरिंग. क्या सबको बफरिंग की प्रॉब्लम अभी भी हो रही है? रोहित, नहीं गाइज, स्टिल बफरिंग प्रॉब्लम हो रही है क्या? अगर हो रही है तो मैं कनेक्शन को सही करती हूं. क्या अभी भी बफरिंग इशू है? ओके, गिव मी अ मिनट. ओके, रुकिए रुकिए रुकिए, लेट मी सी कनेक्शन में क्या दिक्कत आ रही है. ओके, वेट. ओके, सही अभी? ठीक है, अभी क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. रोहित, मैं आपके सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर बाद दूंगी. ओके, नेम द साहित्य एकेडमी अवॉर्डी तमिल राइटर हु पास्ड अवे रिसेंटली. तो आपको मुझे साहित्य एकेडमी अवॉर्डी तमिल राइटर का नाम बताना है जिनका कुछ टाइम पहले निधन हुआ था. थर्ड क्वेश्चन रिपीट कर दिया. ओके गीति, मैं थर्ड क्वेश्चन को भी रिपीट कर देती हूँ. ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज सा कंदासामी. सा कंदासामी ये तमिल राइटर थे. ही वॉज द तमिल राइटर एंड साहित्य एकेडमी अवॉर्डी एज वेल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देती हूँ. थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन में डाउट था. ओके, इब्राहिम अलकाजी has passed away recently. He was. So, Ibrahim Alkazi was a theater director. He was known as, actually, he is known as the father of modern theater. और आपको इनका नाम याद रखना है. ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. Okay, very important question. Very important. नोबेल पीस प्राइज विनर जॉन ह्यूम हैज पास्ड अवे. ही वॉज डैश. यानी नोबेल प्राइज विनर जॉन ह्यूम का अभी हाल ही में निधन हुआ, वो इनमें से क्या थे? ठीक है, नोबेल पीस प्राइज विनर नेम जॉन ह्यूम. क्या मुझे कोई इनकी कंट्री बताएगा? ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? फर्स्ट इज नोबेल पीस प्राइज विनर जॉन ह्यूम वॉज अ पॉलिटिशियन. ये राजनीतिज्ञ थे. ये क्या थे? ये पॉलिटिशियन थे और नेदरलैंड पीस एग्रीमेंट में इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. तो ही वॉज अ पॉलिटिशियन जॉन ह्यूम. ठीक है, यस, नॉर्दर्न आयरलैंड. ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था फॉर पीस एग्रीमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिशियन. हु हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड सियासत में सदस्यता, ऑथर्ड बाय विजय कुमार चौधरी. तो एक बुक आई थी सियासत में सदस्यता, जिसके राइटर थे विजय कुमार चौधरी. इस बुक को किसने रिलीज किया था? तो हु हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड सियासत में सदस्यता, ऑथर्ड बाय विजय कुमार चौधरी. लाइफस्टाइल, नो इट इज नॉट बफरिंग नाउ. आई गेस देयर इज नो बफरिंग इशू. प्लीज रिफ्रेश योर पेज. ओके, एंड द आंसर इज नीतीश कुमार. तो बिहार सीएम नीतीश कुमार ने एक बुक रिलीज की सियासत में सदस्यता, विच वॉज रिटन बाई विजय कुमार चौधरी, जो बिहार पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नीतीश कुमार. हु अलोंग विथ स्मृति ईरानी हैज लॉन्च द बुक स्वच्छ भारत क्रांति एडिटेड बाई परमेश्वरम अय्यर. तो एक बुक आई थी जिसको एडिट किया था परमेश्वरम अय्यर ने. नाम था स्वच्छ भारत क्रांति. इसको दो लोगों ने लिखा था, स्मृति लॉन्च किया था स्मृति ईरानी एंड डैश. अ
एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ओके, हु इज परमेश्वरन अय्यर? परमेश्वरन अय्यर कौन है? ठीक है, एंड द आंसर इज गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मिनिस्टर एंड विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, ने बुक रिलीज की थी स्वच्छ भारत क्रांति. ठीक है, आपको मुझे परमेश्वरन अय्यर के बारे में बताना है. आइए फिर अगला सवाल देखते हैं. ऑथर हैं, ये सेक्रेटरी हैं किस डिपार्टमेंट के? ये किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं भारत में. ओके, विच स्टेट्स फॉर्मर गवर्नर आरडी प्रधान हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो किस राज्य के फॉर्मर गवर्नर आरडी प्रधान का निधन हुआ है? ठीक है, तो आरडी प्रधान फॉर्मर गवर्नर, ठीक है, एंड ही वॉज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो आरडी प्रधान अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर थे और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है. आयुष सेक्रेटरी है, देखकर आइएगा ये आयुष सेक्रेटरी है या फिर अभी इनके पास वॉटर, ठीक है, वाला है. ठीक है, वॉटर और सैनिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, शमसुर रहमान फरूकी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डैश, यानी शमसुर रहमान फारूकी का अभी हाल ही में निधन हो गया, वो इनमें से क्या थे? ठीक है, तो उर्दू से इनका बहुत गहरा रिलेशन था. शमसुर रहमान फारूकी, ही वॉज राइटर, ही वॉज लेखक. ठीक है, उर्दू राइटर, उर्दू लेखक काफी बड़ा नाम था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक अमेजिंग अयोध्या? दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक अमेजिंग अयोध्या, एंड द ऑथर और राइटर नेम इज नीना राय. क्या नाम है? नीना राय. कौन सी बुक? अमेजिंग अयोध्या. अयोध्या नाम पर दो बुक आई है, अभी एक बुक हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. राहत इंदौरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस. राहत इंदौरी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डैश. राहत इंदौरी का हाल ही में निधन हुआ, वो क्या थे? गाइस, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और राहत इंदौरी पोएट थे, कवि थे, बहुत बड़ा नाम था और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पोएट. ओके, चेतन चौहान हैज पास्ड अवे रिसेंटली, विथ विच स्पोर्ट्स ही वॉज एसोसिएटेड विथ, यानी चेतन चौहान का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस खेल से जुड़े हैं? ठीक है, बुलाते मगर जाने का नहीं. ओके, चेतन चौहान, यही एक पॉइंट और याद रखिएगा, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन, ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं. ये ऑरेटर बेसिकली आप बोल सकते हैं, जो पिच का बेसिकली काम वाम ये देखते हैं थे, और इनकी भी डेथ हो गई है और ये दोनों नाम ही क्रिकेट से रिलेटेड हैं. यूपी से पॉलिटिशियन थे चेतन चौहान, बट इनका जो मेन प्रोफेशन था वो था क्रिकेट. क्रिकेटर के बाद ये पॉलिटिशियन बने थे उत्तर प्रदेश में. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन भी याद रखिएगा. क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ अ कोंकणी बुक सूत्रा निवेदना नाची, सूत्रा एक अनुभव, यानी सूत्रा निवेदना नाची, सूत्रा एक अनुभव, जिस बुक को श्रीपद यसो नायक के द्वारा रिलीज किया गया था, इस बुक के राइटर का नाम क्या है? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज रूपाचारी. क्या नाम है? रूपाचारी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रूपाचारी. बुक का नाम काफी बड़ा है, सूत्रा निवेद नाची याद रखिए. ये कोंकणी भाषा में है और इसको गोवा से मिनिस्टर श्रीपद यसो नायक के द्वारा रिलीज किया गया था. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम फॉर योर एग्जाम, एंड ही वॉज पंडित जसराज. पंडित जसराज हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज डैश. पंडित जसराज जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो क्या थे? ठीक है,
गाइस वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ही वॉज ए क्लासिकल वोकैलिस्ट, यानी ये शास्त्रीय गायक थे, बहुत फेमस शास्त्रीय गायक थे और इनका निधन हो गया है। ये नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लासिकल वोकैलिस्ट थे, शास्त्रीय गायक थे, हाँ, इन्हीं के नाम पर प्लैनेट का नेम है, बिल्कुल ठीक है। काफी सारे अवार्ड्स हैं इनके नाम पर और मैं उम्मीद कर रही थी इस साल इनके नाम पर एक बहुत बड़ा अवार्ड, ठीक। अच्छा गाइस एक बात और ध्यान रखिएगा ना, जो ऑब्लिचरी सेक्शन में हम काफी सारे नाम को पढ़ने वाले हैं ना, इस बार के पद्मा अवार्ड्स में उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, ठीक है। नेम द पद्म विभूषण अवॉर्डी एंड एमिनेंट एरोस्पेस साइंटिस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मुझे उस पद्म विभूषण अवॉर्डी का नाम बताना है जो एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। इनका लीग, इनकी कैटेगरी बहुत हाई मानी जाती थी, भारत के बेहतरीन एरोस्पेस साइंटिस्ट में से एक थे, ठीक है। एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोडम नरसिम्हा। रोडम नरसिम्हा ही वॉज द एरोस्पेस साइंटिस्ट, ये एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इक्वली इनकी इंपॉर्टेंस थी, तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। वेटरन फोक सिंगर अर्चना महंता हैज पास्ड अवे रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट शी बिलोंग टू, यानी बहुत फेमस लोक गायक अर्चना महंत का हाल ही में निधन हुआ है, ये किस राज्य से आती हैं, ठीक है। और ये असम राज्य से आती हैं, बहुत फेमस फोक सिंगर हैं, इसलिए आपको इनका प्रोफेशन फोक सिंगर और इनका स्टेट असम दोनों याद रखना है। यस काजल, एब्सोल्यूटली पद्म विभूषण, मैं आप लोग को उस पर एक वीडियो दे दूंगी या मैं आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड कर दूंगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दूंगी, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। हु हैज रिलीज द थर्ड वॉल्यूम ऑफ सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टाइटल लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिक इथिक, यानी इनमें से किसने रामनाथ कोविंद के जो चुनिंदा भाषण है उनका तीसरा संस्करण लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन इथिक जारी की है, ठीक है। और इसको जारी किया गया था हमारे देश के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, तो इट वॉज रिलीज बाय राजनाथ सिंह। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह। ओके, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही सर्व्ड एज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ये भारत रत्न अवॉर्डी भी हैं, इनका निधन हो गया था, ये किस नंबर के प्रेसिडेंट थे। एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर, ये भारत के 13th राष्ट्रपति थे, 13th यानी 13वें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे, भारत रत्न अवॉर्डी थे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये नाम भी एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। गाइज जिन क्वेश्चन में भी फर्स्ट वर्ड एड है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ का नाम बताइए जिनका हाल में निधन हो गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हर नेम इज एस पद्मावती। एस पद्मावती इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस पद्मावती, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम आपके एग्जाम के लिए, वापस से बोल रही हूं। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ठीक है। आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक बुक के लेखक कौन है, ये लेखक खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बुक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एंड द राइटर इज तेंजिन गीशे थेंडोग।
नहीं गाइस, करेक्ट आंसर है दलाई लामा। दलाई लामा ने इस बुक को लिखा है और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नाम की बुक के लेखक हैं दलाई लामा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, क्योंकि दलाई लामा खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो एक बुक आई थी जिसका नाम था डिसलॉयल, ये बुक डोनाल्ड ट्रंप से रिगार्डिंग थी, इसके ऑथर कौन थे? ठीक है, और डिसलॉयल बुक जो आई थी इसके ऑथर थे माइकल कोहेन। कौन था? माइकल कोहेन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, माइकल कोहेन, एब्सोल्यूटली। ओके, दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनके नाम की बुक्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड वन अरेंज मर्डर? वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काजल क्या हुआ, पीडीएफ कहां से मिलेगा? पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। ओके, एंड द राइटर इज चेतन भगत, वन ऑफ द फेमस राइटर इन इंडिया, चेतन भगत। तो वन अरेंज मर्डर, चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड आल्सो रिटन बाय एब्सोल्युटली। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी? तो आपको पता है फरवरी में दिल्ली में रॉयट्स हुए थे, उस पर एक बुक आई थी, उस बुक के राइटर का नाम क्या है? दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, तो इसकी तीन राइटर थी, मोनिका, सोनाली और प्रेरणा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, याद रखिएगा मोनिका, सोनाली और प्रेरणा। ठीक है, आइए, ये क्वेश्चन भी कल की तरह थोड़ा सा परेशान करने के लिए आ गया है, तो आंसर आपको पहले ही दिख गया है। अच्छा जी, चलिए देख लेते हैं, ये भाई साहब वापस से ऐसे आ गए हैं। तो बुक का नाम क्या है? Who among the following has released a book on national security titled NSG Young Scholars Perspective? ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज पे एक बुक आई थी और इसको इंडिया के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा रिलीज किया गया था, जो आपको अपने आप पता चल गया है। ठीक है, आइए इसीलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ओके, फॉर्मर क्रिकेटर एंड रिनाउंड कमेंटेटर डीन जॉन्स हैज पास्ड अवे फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग टू? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा आईपीएल में मुंबई से कमेंट्री करते हुए होटल के कॉरिडोर में ये पाए गए थे, हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई है। एंड डीन जॉन्स, हु वॉज द फॉर्मर क्रिकेटर एंड रिनाउंड कमेंटेटर, ही बिलोंग फ्रॉम विच कंट्री? एंड ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कहां से थे? ये ऑस्ट्रेलिया से थे, याद रखिएगा, ये नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक नाम और याद कर लीजिए, रॉबिन जैकमैन, ये फॉर्मर बॉलर और क्रिकेट कमेंटेटर थे और ये इंग्लैंड से आते हैं, इनकी भी डेथ हो गई है। तो रॉबिन जैकमैन इंग्लैंड क्रिकेट, डेन जॉन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब इस पे भी आएंगे अखिल, यस। आइए अगला सवाल देखते हैं। एसपी बालसुब्रमण्यम हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज डैश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसपी बालसुब्रमण्यम जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये क्या थे? हाँ, कल काजल मिसलेनियस है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सिक्स मंथ्स के सारे पॉइंट्स कवर करा दिए हैं। ठीक है, ओके, ही वॉज प्ले बैक सिंगर, ये प्ले बैक सिंगर थे, भारत के बेहतरीन सिंगर में से एक थे एसपी बालसुब्रमण्यम, इनकी भी रिसेंटली डेथ हुई है। ठीक है, बहुत सारे बेहतरीन गाने इनके नाम पर हैं। ओके, जसवंत सिंह हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डैश, जसवंत सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, वो इनमें से क्या थे? क्या कोई मुझे बता सकता है ये किस मिनिस्ट्री में थे, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री रही है कैबिनेट में? सो ही वॉज
पॉलिटिशियन राजनीतिक, क्या थे ये? पॉलिटिशियन थे, राजनीतिक थे, ठीक है। तो जसवंत सिंह पॉलिटिशियन थे, क्या कोई मुझे बता सकता है? आदित्य क्वेश्चन वापस से पूछ लीजिए, मैं देख नहीं पाई हूं, ठीक है, ओके। चलिए, इनके पास जब अटल बिहारी वाजपेयी थी तो डिफेंस मिनिस्ट्री थी। मैं आपको यहां एक बात और बता देती हूं, जो बीआरओ हमारे देश में इतना काम कर रहा है ना, बीआरओ को एस्टेब्लिश करने और बॉर्डर पर रोड बनाने का जो आइडिया था, वो जसवंत सिंह के टाइम पर ही आया था, ठीक है। तो जसवंत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छा, नेम द रिनाउंड स्कॉलर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध विद्वान का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है, ओके ओके। एंड द करेक्ट आंसर इज कपिला वत्सयन। क्या नाम है? कपिला वत्सयन, ठीक है। तो कपिला वत्सयन, मैं बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में बोलूंगी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट एक बार आपको रीड जरूर करके जाना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अमिताभ घोष हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज डैश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमिताभ घोष का अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये क्या थे? और इनके नाम पर भारत में एक रिकॉर्ड भी है, वो क्या था, ठीक है। तो अमिताभ घोष वॉज फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, ये भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, और इनके नाम पर कौन सा रिकॉर्ड है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ आरबीआई, एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर। भारत के सबसे कम टाइम के आरबीआई गवर्नर ये रहे हैं। तो अमिताभ घोष इंपॉर्टेंट नाम है। आशा लता वब गवांकर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ डैश, यानी आशा लता वब गवांकर का अभी हाल ही में निधन हुआ है, और ये क्या थे? 21 दिन के लिए मरे हुए लोग को, हाँ, जो इंपॉर्टेंट है काजल, उनको तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा लता वब गवांकर, ये मराठी मूवीज की बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्री, ठीक है। ये वेटरन, आप बोल सकते हैं, मराठी मूवीज लगभग 100+ मूवीज इन्होंने की है, और ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। आइए, ओके, लेजेंडरी माउंटेनियर एंग रीता शेरपा हैज पास्ड अवे रिसेंटली, फ्रॉम विच कंट्री शी बिलोंग टू। तो बहुत फेमस पर्वतारोही एंग रीता शेरपा का निधन हुआ था, ये किस देश से थी, ठीक है। तो जनरली जब भी आपसे शेरपा पूछे जाएं, तो वो मोस्टली कहां से होते हैं? नेपाल से। और एंग रीता शेरपा ये लेजेंडरी माउंटेनियर में से एक थी, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। एमडीएच ओनर महाशय धर्मपाल गुलाटी पास्ड अवे रिसेंटली, इन विच ईयर ही वॉज ऑनर्ड विथ पद्म भूषण, द थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री, ठीक है। तो महाशय धर्मपाल गुलाटी, एमडीएच ओनर, सब इनको जानते हैं, पद्म भूषण इनको मिला हुआ है, और 2019 में इनको ये अवार्ड मिला था। तो ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा जी, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज द बुक नेम्ड अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट टू मार्क वाजपेयी जी 96 बर्थ एनिवर्सरी। तो वाजपेयी जी की 96 बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट नाम की बुक को किसने रिलीज किया था, ठीक है। और इस बुक को रिलीज किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी की एनिवर्सरी कब होती है? 25 दिसंबर को, ठीक है। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप हैज पास्ड अवे, ही वॉज डैश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम भी आपके लिए। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हुआ, वो क्या थे?
और ये रेडियो एस्ट्रोनॉमर थे। ये क्या थे? ये रेडियो एस्ट्रोनॉमर थे और भारत की रेडियो एस्ट्रोनॉमी के फादर कहे जाते हैं। इसलिए आपके लिए प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का नाम इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो पिछले साल काफी सारे बड़े नाम गए हैं और आपको मुझे अब अगले सवाल का आंसर देना है। डायना रिग हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज। डायना रिग का हाल ही में निधन हुआ है, वो क्या थी? ठीक है, तो डायना रिग को जो लेटेस्ट है वो गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा गया था और ये अभिनेत्री थी। बिल्कुल, उस पर हम अभी एंड में बात करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्री। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अयोध्या रिलीज बाय देवेंद्र फडणवीस, यानी देवेंद्र फडणवीस के द्वारा जारी की गई बुक अयोध्या की लेखक का नाम बताइए। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था अयोध्या पर दो बुक है और इस बुक की लेखक का नाम है माधव भंडारी। क्या नाम है? माधव भंडारी। ठीक है, तो अयोध्या पर दोनों बुक को याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी सवाल आपको एग्जाम में मिल सकता है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। एक मिनट, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। आदित्य पौडवाल हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डैश। आदित्य पौडवाल का हाल ही में निधन हुआ है, वो इनमें से क्या थे? ठीक है, तो आपको मुझे आदित्य पौडवाल के बारे में बताना है। इनकी माँ को तो आप सब जानते होंगे, अनुराधा पौडवाल को आप सबने बचपन में देखा होगा, मतलब मैंने तो अपने बचपन में देखा है। बहुत फेमस सिंगर हैं और ये भी क्या थे? म्यूजिक कंपोजर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, म्यूजिक कंपोजर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान? COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक बुक के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, क्योंकि ये लेखक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014 नोबेल पीस प्राइज विनर और इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी ने COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान नाम की बुक लिखी है। नेम द ऑथर हु हैज अनाउंस्ड अ बुक माई लाइफ इन डिजाइन। माई लाइफ इन डिजाइन नामक बुक की लेखक का नाम क्या है? बचपन बचाओ, एब्सोल्यूटली। ठीक है, चलिए, तो माई लाइफ इन डिजाइन आप सब इनको जानते होंगे। इनका नाम है गौरी खान, शाहरुख खान की वाइफ है और इंटीरियर डिजाइनर है। माई लाइफ इन डिजाइन याद कर लीजिए। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पता नहीं क्यों पर ज्यादा आते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन? आजादी नाम की बुक की राइटर कौन है जिसका पूरा नाम है आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन? ठीक है, तो बहुत फेमस वर्ल्ड रिनाउंड राइटर अरुंधति रॉय हैं इसकी ऑथर और ये नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरुंधति रॉय काफी बड़ा नाम है गाइस। ठीक है, तो अरुंधति रॉय बुक आजादी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यस एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये काफी बड़ा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अ प्रॉमिस्ड लैंड द प्रेसिडेंशियल मेमोर इज रिटन बाय हूम? प्रॉमिस लैंड जो बुक है ये एक संस्मरण है एक राष्ट्रपति की, कौन से राष्ट्रपति की है? ठीक है, प्रॉमिस लैंड जो बुक है ये है बराक ओबामा की। किसकी है? बराक ओबामा, यूएस प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट नेम, प्रॉमिस लैंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is the author of the book titled The Battle of Belongings? The Battle of Belongings नाम की बुक के लेखक का नाम क्या है? क्या नाम है? The Battle of Belongings। Absolutely correct answer और ये
राइटर भी खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका नाम है शशि थरूर। तो शशि थरूर बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको पता है ये बात। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च हिज ऑटोबायोग्राफी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। गाइस, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नाम की जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है? ठीक है, इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। ये भारत के 15th फाइनेंस कमीशन के हेड हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनके सिंह। ठीक है, तो एनके सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। आप किसी की भी बायोग्राफी हो वो इंपॉर्टेंट होगी और हमारे फाइनेंस कमीशन के हेड की है तो इसलिए और इंपॉर्टेंट है। Who is the author of the book Night of the Restless Spirits? Night of the Restless Spirits नाम की बुक के लेखक कौन है? ठीक है, और इसके लेखक का नाम है सरबप्रीत सिंह। क्या नाम है? सरबप्रीत सिंह। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड देह वेछा करनी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। यानी हमारे प्रधानमंत्री ने एक आत्मकथा, एक ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया जिसका नाम है देह विचवा करणी। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये ऑटोबायोग्राफी है बाला साहेब विखे पाटिल की। किसकी है? बाला साहेब विखे पाटिल की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बाला साहेब ठाकरे। मत करके आइएगा, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है वो जो अपनी जीवनी खुद से लिखते हैं। बायोग्राफी होती है जो कोई और लिखती है और ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद लिखते हैं, और बाला साहेब ठाकरे अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख सकते। ठीक है, आइए फिर अगला सवाल देखते हैं। जफरुल्ला जमाली पास अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जफरुल्ला जमाली का अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? साथ ही साथ एक और प्रधानमंत्री की डेथ हुई है और ये है सूडान के प्रधानमंत्री सादिक अल महदी। तो सादिक अल महदी सूडान के प्राइम मिनिस्टर थे और जफरुल्ला जमाली ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो ये दोनों ही प्रधानमंत्री याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखें। आइए, पुष्पा भावे ऑल्सो नोन एज द आयरन लेडी ऑफ मुंबई हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज। यानी पुष्पा भावे जिनको आयरन लेडी ऑफ मुंबई कहा जाता था, इनका हाल ही में निधन हो गया, वो इनमें से क्या थी? ठीक है, तो पुष्पा भावे ये सोशल एक्टिविस्ट थी मुंबई महाराष्ट्र में, बहुत फेमस थी, इन्होंने काफी सारे बेहतरीन काम किए हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। गाइस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स हु पास्ड अवे रिसेंटली। यानी फाइबर ऑप्टिक्स जो आज के टाइम पे ये इंटरनेट चल रहा है इतने अच्छे से ना, उस फाइबर ऑप्टिक्स के फादर का नाम बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये भारत के हैं, मोस्टली बच्चों ने इनका नाम सुना भी नहीं होगा इससे पहले, और इनका नाम है नरेंद्र सिंह कपनी। नरेंद्र सिंह कपनी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अस्ताद देबो हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज डैश। यानी अस्ताद देबो जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वो इनमें से क्या थे? हाँ, बिल्कुल मिला है, मैंने आपको बोला ना कि इनमें से बहुत सारे नाम हैं जिनकी डेथ हुई है, पद्म विभूषण, भूषण और श्री, इन तीनों में आपको इन लोगों के नाम मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये कंटेम्प्रेरी डांसर थे, काफी इंपॉर्टेंट नाम है अस्तद देबो, स्पेशली डांस फील्ड में। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। राम विलास पासवान हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ। राम विलास पासवान का निधन हो गया, इनके पास भारत का कौन सा मंत्रालय थे, इनकी पार्टी कौन सी थी? ठीक है, इनको भी आपको पता है पद्म अवार्ड मिला है। तो राम विलास पासवान ये भारत के कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मंत्री थे और इनकी निधन हुआ है।
ठीक है, तो याद रखिएगा कंज्यूमर अफेयर ये सवाल आ सकता है, ठीक है, इनको भी मिला है यस। एलजेपी बिल्कुल सही है, इनकी पार्टी एलजेपी है, याद रखिएगा पार्टी से सवाल आ सकता है, ठीक है, बिहार से थे बिल्कुल। कार्टून चैपमैन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर फुटबॉल कैप्टन ऑफ विच कंट्री। कार्टून चैपमैन का हाल ही में निधन हुआ, ये किस देश की फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे, ठीक है। साथ ही साथ एक नाम और याद रखिएगा, मीर साजिद अली। मीर साजिद अली फुटबॉल इंडिया के ये मोहन बगान और इन सारे क्लब के लिए खेलते थे, और कार्टून चैपमैन भारत की फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। तो ये दोनों नाम ही फुटबॉल से रिलेटेड है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है। तो किस देश के कैप्टन थे, इंडिया के, क्लियर। तो दोनों नाम फुटबॉल से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। Who among the following has announced her new book, Pregnancy Bible? तो Pregnancy Bible नाम की नई बुक अपनी इनमें से किसने अनाउंस की है, ये तो सबको पता होगा, आप लोग इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल चैंप होंगे, और करेक्ट आंसर है करीना कपूर खान। तो करीना कपूर खान ने अपनी नई बुक के बारे में बोला है जिसका नाम है प्रेगनेंसी बाइबल। ओके चलिए अगला सवाल देखने, मुझे पता है इसका आंसर कोई भी गलत नहीं देने वाला है, ठीक है। चलिए, शोभा नायडू हु वॉज अ पद्मश्री अवॉर्डी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज, यानी शोभा नायडू का अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है, और ये क्या थी, ठीक है, और ये कुचिपुड़ी डांसर थी, ये कुचिपुड़ी डांसर थी, भारत की रिनाउंड कुचिपुड़ी डांसर में आती थी, नाम है शोभा नायडू, ठीक है, यस एब्सोल्यूटली। आइए फिर अगला सवाल देखते हैं। नेम द जननपीठ यानी कि ज्ञानपीठ अवॉर्डी मलयालम पोएट हु पास्ड अवे रिसेंटली। गाइस दिस इज क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पर्पस। इनका जो कलेक्शन है जिसके लिए इनको अवॉर्ड मिला था जननपीठ, जरा मुझे वो भी बता दीजिए, ठीक है। तो अखितम अच्युतन नंबूथिरी, ये केरला से आते हैं, मलयालम पोएट थे, और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पिछले साल इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, ठीक है, तो याद रखिएगा अखितम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये एग्जाम के लिए, ठीक है, बिल्कुल। आइए अगला सवाल देखते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ऑस्कर अवार्ड हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो आपको मुझे उस पहली महिला का नाम बताना है, भारतीय महिला जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता था और जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बुक का नाम रिवाइज कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। तो और यस, ये फैशन डिजाइनर थी और ये पहली भारतीय महिला थी जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, और इनका नाम है भानु अथैया। तो भानु अथैया गाइस वापस से कहीं भी फर्स्ट वर्ड ऐड है ना तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, एब्सोल्युटली गांधी के लिए। चलिए, नेम द इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हु पास्ड अवे रिसेंटली। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी, ये डॉक्टर थी, एमबीबीएस थी, और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, ठीक है। तो ये एयरफोर्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला थी और इनका नाम था विजय लक्ष्मी रमणन। तो विजय लक्ष्मी रमणन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, दिमाग में बैठा लीजिए, यस। अगला सवाल देखते हैं। ली कुन ही हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ। गाइस इसको लेकर साउथ कोरिया में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इनके जो उत्तराधिकारी है ना, यानी जो अब नए हेड बनने वाले हैं कंपनी के, वो ऑलरेडी उनपे करप्शन के चार्ज लगे हुए हैं और वो जेल में है। तो अभी ये कंपनी काफी सारे कॉन्ट्रोवर्सी, काफी सारे आप बोल सकते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम में है, और ये कंपनी है
सैमसंग के चेयरमैन, सैमसंग के हेड ली कुन ही का अभी हाल ही में निधन हुआ है और ये नाम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, यानी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जारी की गई बुक 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है, ठीक है। चलिए और यहां करेक्ट आंसर है ए शिवथनु पिल्लई। ए शिवथनु पिल्लई याद रखिएगा, इन्होंने अब्दुल कलाम के ऊपर एक बुक लिखी है। बी बिल्कुल सही आंसर है, बी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन द मूव माई जर्नी एज अ रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर, यानी आपको मुझे उस बुक के ऑथर का नाम बताना है जो क्या है नाम, ऑन द मूव माई जर्नी एज अ रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर, ठीक है। काफी फेमस एंटरप्रेन्योर है और इनका नाम है हरि खेमका। क्या नाम है? हरि खेमका। तो हरि खेमका याद रखिएगा, ऑन द मूव माई जर्नी एज अ रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर। जब मैंने आपको ये बुक बताया था, मैंने बोला था कभी जिंदगी में टाइम मिलेगा तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। ओके, विच स्टेट्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर आर दुरैकन्नु पास्ड अवे रिसेंटली, यानी आर दुरैकन्नु ये किस राज्य के कृषि मंत्री थे और कोविड के कारण इनका निधन हुआ था, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, कहां के थे? तमिलनाडु के, और इनका निधन हुआ है। दूसरा नाम एसएल धर्मे गोवड़ा। एसएल धर्मे गोवड़ा ये कर्नाटका स्टेट काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन थे और इनका भी निधन हो गया है। तो ये स्टेट से न्यूज है कि तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तमिलनाडु कृषि मंत्री आर दुरैकन्नु पास्ड अवे, एंड एसएल धर्मे गोवड़ा हु वाज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कर्नाटका स्टेट काउंसिल पास्ड अवे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट इज, हु इज द ऑथर ऑफ न्यू बुक द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइन द बुद्धा विच विल अनकवर द स्टोरी ऑफ द लाइट ऑफ एशिया पोयम। तो ऑलरेडी एक बुक है द लाइट ऑफ एशिया, उसी पर एक नई बुक आई है द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइन द बुद्धा, इसके ऑथर कौन है, ठीक है। तो कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश, बिल्कुल सही जवाब है, जयराम रमेश इस बुक के ऑथर हैं, द लाइट ऑफ एशिया, ठीक। आइए अगला सवाल देखते हैं। टी एन कृष्णन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डैश। टी एन कृष्णन का अभी हाल ही में निधन हो गया है, वो इनमें से क्या है? पीपल एग्जैक्टली आई डोंट नो बट समवेयर इन 70s, ओके, ठीक है। टी एन कृष्णन ये क्या है? ये वॉयलिन बजाते हैं, वॉयलिनिस्ट हैं, काफी फेमस हैं, काफी फेमस थे और इनका निधन हो गया है, ठीक है। टी एन कृष्णन, ओके ओके। सतीश प्रसाद सिंह हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द शॉर्टेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ विच स्टेट। तो सतीश प्रसाद सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये किस राज्य के सबसे कम समय के सीएम थे, ठीक है। कहां के थे? बिहार के। आई गेस 6 दिन के थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है बट शायद 6 दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। अब देखिए कुछ रिसेंटली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स की डेथ हुई है जिसमें से काफी सारे लोगों को पद्म अवार्ड भी मिला है। मोतीलाल वोहरा फॉर्मर सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद केशु भाई पटेल फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात, उसके बाद तरुण गगोई फॉर्मर सीएम ऑफ असम, और उसके बाद है संचमन लिंबो फॉर्मर सीएम ऑफ सिक्किम, एंड शिवाजी राव पाटिल निलंगर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो गाइस ये कुछ सीएम है, ये कुछ मुख्यमंत्री हैं जिनकी डेथ पिछले 6 महीने में हुई है। मैंने आपको एक साथ प्रोवाइड कर दिया है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सतीश प्रसाद
बिहार, मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश, केशु भाई पटेल गुजरात, तरुण गगोई असम, संचम लिंबो सिक्किम, शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। आसिफ बसरा पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डैश। आसिफ बसरा का अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो क्या थे? ठीक है, तो गाइस ये काफी न्यूज में थे इसलिए मैंने इनको यहां ऐड किया हुआ है। सुसाइड किया था इन्होंने ऐसा बोला जा रहा है, और ये एक्टर थे, ये अभिनेता थे। ठीक है, तो आसिफ बसरा पाताल लोक में अभी लेटेस्ट आपने इनको देखा था और इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, फॉर्मर बैट्समैन जॉन एफ रीड पास्ड अवे रिसेंटली, ही प्लेड फॉर विच कंट्री। तो पूर्व बल्लेबाज यानी ये क्रिकेटर थे जॉन एफ रीड, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश के लिए खेले थे? और ये किवी प्लेयर थे, ये न्यूजीलैंड के लिए खेले थे। किस देश के लिए? न्यूजीलैंड के लिए। अच्छा, ये क्लियर है, न्यूजीलैंड याद रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बनंजय गोविंदाचार पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एमिनेंट स्कॉलर ऑफ विच लैंग्वेज। यानी बनंजय गोविंदाचार का अभी हाल ही में निधन हुआ, ये किस भाषा के प्रख्यात विद्वान थे? किस भाषा के थे? संस्कृत लैंग्वेज के थे। बनंजय गोविंदाचार वॉज एमिनेंट स्कॉलर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, संस्कृत भाषा के प्रख्यात विद्वान थे ये। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। श्रीपति खान चंदेल हु हैड वॉन द प्रेस्टिजियस हिंद केसरी टाइटल इन 1959 पास्ट अवे, ही वॉज डैश। यानी श्रीपति खान चनेल जिनको 1959 में हिंद केसरी का टाइटल मिला था, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये क्या थे? ठीक है, तो ये बहुत फेमस रेसलर थे, बहुत फेमस पहलवान थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो श्रीपति खान चनेल। आगे एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। मृदुला सिन्हा हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ विच स्टेट। मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया, ये किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? ठीक है, तो मृदुला सिन्हा याद रखिएगा, ये गोवा राज्य की पहली महिला गवर्नर थी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां भी फर्स्ट वर्ड एड हो जाए। तो मृदुला सिन्हा गोवा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेम द पद्मश्री अवॉर्डी डांस हिस्टोरियन एंड क्रिटिक हु पास्ड अवे रिसेंटली। यानी आपको मुझे उस पद्मश्री अवॉर्डी के बारे में बताना है जो भारत के बेहतरीन डांस हिस्टोरियन और आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुनील कोठारी। क्या नाम है? सुनील कोठारी। तो सुनील कोठारी याद रखिएगा, क्योंकि ये काफी रिनाउंड है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए। एमिनेंट पोएट, कंजर्वेशनिस्ट एंड विमेन राइट एक्टिविस्ट सुगता कुमारी पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज अ पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। यानी एमिनेंट पोएट, प्रख्यात कवि, संरक्षणवादी और महिला अधिकार कार्यकर्ता सुगता कुमारी का हाल ही में निधन हो गया था, ये किस भाषा की प्रसिद्ध पोएट थी? ठीक है, और ये किस लैंग्वेज की थी? शी वॉज अ मलयालम पोएट। ये मलयालम भाषा की प्रसिद्ध पोएट थी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। प्रीति आई के 79 है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। फुटबॉल लेजेंड डियोगो मैराडोना पास्ड अवे रिसेंटली, फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग टू। गाइस दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। ठीक है, यानी डियोगो मैराडोना का हाल ही में निधन हुआ है, ये किस देश के लिए खेलते थे? और ये लेजेंड थे फुटबॉल के, और ये अर्जेंटीना के लिए खेलते थे। अर्जेंटीना वही देश है जहां से लियोनेल मेसी अभी आते हैं। यस, हाथ धोखा। ठीक है, यस, बिल्कुल 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 करेक्ट है। याद रखिएगा किस साल इन्होंने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया था। वही एक और इंपॉर्टेंट नेम है, और वो है इटली के पावलो रोसी। तो डियागो मैराडोना, अर्जेंटीना, इटली, पावलो रोसी, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं. गाइस दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस. फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री फकीर चंद कोहली पास्ड अवे रिसेंटली. ही वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनी. आरोही अभी मैं आपको बताती हूँ, धोखा नहीं था एक्चुअली. बॉल्स अभी मैं अभी एंड में आते हैं इस पर, ठीक है, अभी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं. ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री, टीसीएस के फाउंडर थे फकीर चंद कोहली. टीसीएस भारत के सबसे बड़े कंपनियों में से एक है और उसके फाउंडर थे. तो ये नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओ मिजोरम वर्चुअली रिलीज बाय एम वेंकैया नायडू. यानी एक बुक रिलीज हुई है ओ मिजोरम, जिसको हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने रिलीज किया है. इस बुक के ऑथर कौन थे, ठीक है, और इस बुक के ऑथर मिजोरम के गवर्नर पी एस श्रीधरन पिल्लई हैं. कौन है, पी एस श्रीधरन पिल्लई. तो याद रखिएगा ओ मिजोरम. अगला सवाल देखते हैं. जेम्स वॉल्फेसन पास्ड अवे रिसेंटली. ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. जेम्स वॉल्फेसन का हाल ही में निधन हुआ है, वो इनमें से किस बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर थे, ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं जेम्स वॉल्फेसन, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हु हैज रिलीज बाय बाय कोरोना वर्ल्ड्स फर्स्ट साइन टून बुक बाय प्रदीप श्रीवास्तव. तो फर्स्ट पॉइंट, हु इज द ऑथर ऑफ बाय बाय कोरोना. बाय बाय कोरोना के लेखक कौन थे, प्रदीप श्रीवास्तव. ये पहली दुनिया की साइन टून बुक थी और इस बुक को किसने रिलीज किया था, यस, ठीक है, और इस बुक को उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने रिलीज किया था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आनंदीबेन पटेल. तो राइटर यानी ऑथर याद रखिएगा, किसने रिलीज किया ये भी याद रखिएगा. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक योर बेस्ट डे इज टुडे. गाइस दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि योर बेस्ट डे इज टुडे नाम की बुक के ऑथर कौन है, ठीक है, गवर्नर ऑफ यूपी एंड एमपी. हाँ, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूं, उनके पास एडिशनल चार्ज है मध्य प्रदेश का, आनंदीबेन पटेल के पास, ठीक है. तो योर बेस्ट डे इज टुडे नामक बुक के लेखक हैं फेमस एक्टर अनुपम खेर. अनुपम खेर की बुक्स एग्जाम में पहले भी कई बार पूछी जा चुकी है. तो योर बेस्ट डे इज टुडे इज रिटन बाय अनुपम खेर. अगला सवाल देखिए. विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज रिलीज अ स्पेशल पिक्टोरियल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी टाइटल्ड एज मैले बुझे को गांधी. यानी किस देश के प्रेसिडेंट ने गांधी जी के ऊपर एक स्पेशल पिक्टोरियल एंथोलॉजी लॉन्च की है जिसका नाम है मैले बुझे को गांधी, ठीक है. मुझे इस देश के प्रेसिडेंट का नाम भी चाहिए, ठीक है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल. क्या नाम है, नेपाल. विद्या देवी भंडारी, एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर. नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने इसको रिलीज किया था. चलिए अगला सवाल देखते हैं. बोश कियाना इज द न्यू बुक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विच हैज बीन पब्लिश्ड बाय राधा कृष्णन प्रकाशन. तो राधा कृष्णन प्रकाशन ने एक बुक रिलीज की जिसका नाम है क्या, बोश कियाना. बोश कियाना इनके ऊपर, इनमें से किसके ऊपर है, ठीक है. तो ये ऑस्कर लिरिसिस में गिने जाते हैं और इनका नाम है संपूर्ण सिंह कलरा. क्या नाम है, संपूर्ण सिंह करला. इनको गुलजार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है. चलिए अगला सवाल देखते हैं. आई एम नॉट मसीहा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी. यस,
ठीक है। तो आई एम नॉट मसीहा नाम की बुक किसकी आत्मकथा है, सबको पता होगा, गुलजार का रियल नेम, एब्सोल्यूटली बिल्कुल ठीक है। और इसके राइटर सोनू सूद, सबको पता है सोनू सूद की बुक आई एम नॉट मसीहा, ठीक है। यस, मीना अय्यर को ऑथर, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ये आखिरी सवाल था, खत्म हो गया सेशन, ठीक है, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, किसी का कोई डाउट था क्या, क्या क्या डाउट थे फटाफट पूछ लीजिए, फिर सेशन को यही रैप अप करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हैंड से गोल, अच्छा हैंड से गोल एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैराडोना फाइनल खेल रहे थे तो बॉल क्या हुआ था, बॉल उनके हाथ बेसिकली अंगूठे पे लगकर गोल चली गई थी और रेफरी को वो दिखा नहीं था, और उसी गोल से अर्जेंटीना उस वर्ल्ड कप को जीत गया था, ठीक है। विवान एब्सोल्युटली दीज सेशंस आर इनफ फॉर योर आरआरबी एग्जामिनेशन। कितना स्कोर चाहिए होगा हर्षदा, ये तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है, ये थोड़ा बोलना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो वो धोखा नहीं था, वो एक इंसिडेंट था, 1986 वर्ल्ड कप, एब्सोल्युटली। फार्मर प्रोटेस्ट, देखिए फार्मर प्रोटेस्ट पे एक चीज जो मुझे नहीं पसंद आई, मैं आपको ये बताती हूं। पहला पॉइंट, मेरे हिसाब से जिन्होंने उपद्रव किया, जिन्होंने सारे इंसिडेंट जो हुए आईटीओ पर, मुझे नहीं लगता कि वो भारत के किसान कर सकते हैं, वो इंडिया के फार्मर कर सकते हैं। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, पहले मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ। बट जो एक पॉइंट मुझे नहीं पसंद आया, लाल किले पर हमारे तिरंगे की जगह कोई और फ्लैग नहीं ले सकता, तिरंगे की जगह सिर्फ तिरंगे की है, वहां कोई और झंडा नहीं हो सकता। ये दो पॉइंट है जो मुझे आज की स्पेशली प्रोटेस्ट में मुझे जो फील हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारे देश के किसान, हमारे देश का अन्नदाता इतना ज्यादा उपद्रवी नहीं हो सकता, ठीक है। नेट बंद है आज। यस अविनाश, दीज सेशंस आर इनफ फॉर पैरा 13.2 एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जैक्टली। तो गाइज, हम इस सेशन पर अभी नहीं जाते हैं, अभी हम अपने एग्जाम पे फोकस करते हैं, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है। प्रवीण, मैं आपको बता देती हूँ, जो भी वैक्सीन है ना उस पर फोकस करिएगा, आपको मेन क्वेश्चन कोविड पर वहीं से मिलेंगे, आपको कोविड पर कभी भी कोई नेगेटिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आपका मेन फोकस वैक्सीन पर होना चाहिए, किसको लगा, पहली वैक्सीन किस देश ने अनाउंस की, इस टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए करवा दिए हैं, और वही पॉइंट आपके लिए इनफ होगा कोविड सेक्शन में। हर्ष, वो आपका होमवर्क है, ये आप देख कर आइएगा कि क्या नाम है अकितम की बुक जिसके लिए उनको 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यस, दीज सेशंस आर इनफ फॉर पैरा 13.2, एब्सोल्युटली दीज आर इनफ। अविनाश, ओके, मैं आप लोगों को बता देती हूं, मैं 28th को स्पेशली, क्योंकि जो बैंक के स्टूडेंट हैं जिनका बैंकिंग का एग्जामिनेशन है, उनके लिए 28th को एक एब्रीविएशन पर सेशन लेकर आ रही हूं, ठीक है। तो एब्रीविएशन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो मैं आपको 28th को कराने वाली हूं। पद्मा अवार्ड, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपको इस बार के पद्मा अवार्ड पैरा 13.2 में मिलेंगे, बट आपको आरआरबी और एसबीआई या फिर आईबीपीएस प्योर मेंस में मिल सकता है, ठीक है। टुमारो मिसलेनियस, अब जितने भी पॉइंट्स इनके बाद हो गए, लेट्स सी टुमारोज टॉपिक, ओके चलिए। तो इतने के बाद, इतनों को कवर करने के बाद, जो भी क्वेश्चंस मुझे लगता है कि रह गए हैं, किसी टॉपिक में कवर नहीं हो पाए हैं, उसको हम कल के सेशन में कवर करेंगे। सो टुमारोज क्लास इज मिसलेनियस, यानी जो क्वेश्चंस अभी तक कवर नहीं हुए हैं बट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, वी विल कवर दोज क्वेश्चंस इन मिसलेनियस। फिनेंशियल टर्म्स, यस अविनाश, पैरा 13.2 एक्चुअली इज अ प्रमोशनल एग्जाम इन इंश्योरेंस सेक्टर, ओके। लड्डू, हर्ष, एक्चुअली काफी बड़ा नाम है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, इतिहासम समथिंग समथिंग कुछ पोएम का कलेक्शन है, तो एक बार आप उसे देख लीजिएगा, ओके।
ओके, लेट्स फिनिश द सेशन हियर, यही सेशन को रैप अप करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, सेशन क्लियर हुआ होगा। लड्डू नहीं मिला, लड्डू दुकान पर जाइए खरीद लीजिए, अभी तो लड्डू नहीं है, ठीक है। तो गाइस टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, एग्जाम्स करीब हैं, काफी सारे पॉइंट्स आप लोग को पढ़ने हैं, रिवीजन करने हैं, दिमाग को थोड़ा रेस्ट देना है, तो सेशन को मैं यही रैप अप करती हूँ। इरुपदम नोतन दिया, एब्सोल्युटली आकांक्षा यही है, ठीक है। अविनाश, हम फिनेंशियल टर्म्स को कवर करेंगे। मैं जो परसों एब्रिविएशन की क्लास लूंगी ना, वहां मैं जितने भी फिनेंशियल इंपॉर्टेंट टर्म्स एब्रिविएशन है उनको कवर करवा दूंगी, ठीक है। सेशन ऑन कोविड, एक्चुअली मैंने आपको क्लियर किया, कोविड पर आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलने हैं, आपको वैक्सीन या फिर आपको जिस इंसान को सबसे पहले लगा, किसने सबसे पहले वैक्सीन, कौन सा देश लेकर आया, यही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड दीज क्वेश्चंस आर ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस सेशंस, ठीक है, क्लियर हो गए, ठीक है। फिर मैं सेशन को यही रैप अप करती हूँ। कल जो भी डाउट होंगे आप लोग के, वो डाउट पूछिएगा, और मिसलेनियस की क्लास में जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं आपको कवर करा दूंगी। प्रीवियस क्लास में अगर आपके कोई भी डाउट है तो वो आप कल मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। चलिए तो सेशन को यही रैप अप करते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। मैंने आपको पिछले 6 मंथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर करा दिया है, तो अगर आपने प्रीवियस कोई वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख जरूर लीजिए, एग्जाम से पहले वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो सेशन को यही खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।